hello dear students welcome to you all in Pavanwag Academy again today we are going to start with a same topic that is reproduction in lower and higher animals now we are starting with infertility before this which topics we have completed in last lecture we have completed with Different methods and we have completed with studies. तो अब हम क्या start करेंगे यहाँ पे? What is infertility? अब infertility actual है क्या? Normally हम fertility मतलब क्या बोलते हैं? Those who are able to reproduce, चाहे वो human हो, चाहे वो birds हो, या फिर कोई भी living organism हो, या फिर वो plant हो या फिर हम क्या बोलते हैं सॉइल है सॉइल को भी हम क्या बोलते हैं इट इज फर्टाइल मीन्स क्या वहां पे हम खेती कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए इनफर्टिलिटी मीन्स नाउर डेज क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अगेन बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर फूड वी आर यूजिंग हाइब्रिड फूड्स अगेन वी डू नॉट अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल ये सब वजह से एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है अब यहाँ पे हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे वो है इन ह्यूमंस क्योंकि यहाँ पे हमने अब तक क्या पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन में जो इनफर्टिलिटी होती है दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस तो यहाँ पे उनमें इनफर्टिलिटी होती है उसे क्योर क्या करना है या फिर क्योर करने से भी ज्यादा अगर इनफर्टिलिटी उनमें है तो दूसरे सोल्यूशन कैसे है ताकि दूसरे कौन से मेथड्स है जिसकी हेल्प से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो देखिए यहां पे एक्चुअल इनफर्टिलिटी है क्या इट इज इन एबिलिटी मीन्स वॉट अभी मैंने कहा कि वो क्या है एक इनएबिलिटी है किस लिए इट इज इनएलिटी टू कंसीव का मतलब अगेन क्या होगा conceive का मतलब ये गैमेट्स है एग एज वेल एज ओवा वो दोनों में भी क्या हो रहा है आप लोगों को पता है एग या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं ओवा भी बोलते हैं प्लस स्पर्म तो अगर ये दोनों का फ्यूजन होगा तब हम बोलेंगे इसे यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया है जैसे ही इसका फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर हम क्या बोलेंगे बेबी इज कंसीव्ड और आगे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी एम्ब्रियो तक उसका फॉर्मेशन हो जाएगा अब यहां पे देखिए बट वो जो है जो कपल्स है या जो इंडिविजुअल्स है वो इन एबल है टू कंसीव बट कैसे नेचुरली दे आर नॉट एबल टू कंसिव वो कंसिव नहीं कर पाते बट वो कब तक उसका भी अगेन एक टाइम पीरियड है अप टू वन ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ओके तो अगर इस इंटरकोर्स के दौरान वो कंसीव नहीं कर पाए तो हम वो कपल्स को क्या बोलेंगे दे आर इनफर्टाइल अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी है अब देखिए अगेन अब हम वो जो कपल्स है जो इनफर्टाइल है और दे आर नॉट एबल टू कंस्यू वहां पे उनके लिए कौन सा सोल्यूशन हम दे सकते हैं तो वो सोल्यूशन है वो इनफर्टाइल कपल्स के लिए क्या ऑप्शंस होंगे ये सारे ऑप्शंस है जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन हमेशा वो होता है फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब कुछ मेडिसिन अगर कुछ माइन्यूट प्रॉब्लम हुआ तो क्या करते हैं सबसे पहले वो डॉक्टर्स आर डूइंग वो फर्टिलिटी के जो ड्रग्स है मेडिसिन वो देंगे उसके बाद ये सारे प्रोसेस करेंगे अगर वो हो ही नहीं सके तो फिर आगे टेस्टिव बेबीज मतलब इनविट्रो फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ओके उसके बाद आई यूए इंट्राटराइन इंसेमिनेशन सरोट मदरहुड तो ये सारे हैं अलग ऑप्शंस जो किए दिए जाते हैं इनफर्टाइल कपल्स को अगर वो कंसीव ना कर पाए अप टू वन ईयर देखिए ये सारी चीजें इसमें जो जो वर्ड लिखा है एक एक वर्ड है इंपॉर्टेंट क्या इनएबिलिटी है किस लिए कंसिव करने के लिए बट वो कंसीव कैसे करना चाहिए उन्होंने वो कंसीव उन्होंने नेचुरल वे से करना चाहिए और वो कब तक होना चाहिए वन ईयर विद इन वन ईयर एक साल के अंदर और अगेन एक कंडीशन है रेगुलर इंटरकोर्स के दौरान भी जो अनप्रोटेक्टेड है बाय नॉट यूजिंग एनी बैरियर्स तो वो यूज करे बिना ही यहाँ पे अगर दे आर नॉट एबल टू कंसिव तो क्या हम उन्हें क्या बोल सकते हैं हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो कैसे है दे आर इनफर्टाइल तो अगेन वो इनफर्टिलिटी में डिफरेंट फैक्टर्स है या तो यूटेरस जो है उसमें एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वही इंक्रीज नहीं होगी या फिर हो सकता है कि जो स्पर्म्स है दे आर नॉट एक्टिव या फिर हो सकता है कि उनकी जो टेल है, हैली तो ये सारे फैक्टर्स है तो वो फैक्टर को स्टडी करके वो जो कपल्स है उन्हें ये वाले जो मेथड्स है इनमें से कोई मेथड दिया जाता है एज अ ऑप्शन टू हैव अ चाइल्ड ओके अब ये था इनफर्टिलिटी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जो इनफर्टाइल कपल्स है तो उनके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि वो आर एबल टू बेबी तो देखो यहाँ पे क्या है सबसे पहला ऑप्शन है जो कि सबको पता है क्या इसे हम नॉर्मली ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं कौन सा है ये ऑप्शन ये है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो क्या अभी अगेन डिफरेंस होगा दो है इन विट्रो एंड इन विवो या इन वाइवो तो क्या है इन विट्रो में क्या होता है वो देखेंगे अब क्या होगा यहां इन इनवाइवो मतलब हम जो अलाइव कंडीशन में उसके ऊपर वर्क करेंगे अब देखिए यहां पे इन विट्रो में क्या होगा यहां पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे फोकस करेंगे फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होगा बट वो कैसा होगा आउट ऑफ द बॉडी ओके किसके आउट ऑफ बॉडी ऑफ मदर और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपको कैसे पता है अगेन क्या होगा वही एग प्लस स्पॉन्ग उसका फ्यूजन हो जाएगा अगेन वही जैसे हमने इसके पहले देखा फ्यूजन हुआ मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे उसके बाद झाईगोट का फॉर्मेशन हुआ और फिर झाइगोट के बाद आगे वो क्या बना एम्ब्रियो बना बट ये जो सारी स्टेजेस थी इसकी एम्ब्रियो तक वाली ये कहां पे होती है देखिए अब यहां पे हम अगेन कहां पे आ जाते हैं यूटेरस ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है यूटेरस दिख रहा है यहां पे तो सबसे पहले क्या होगा यहां पे पेट्री प्लेट दिखाई दे रही है आपको ये रही पेट्री प्लेट अब देखिए इस पेट्री प्लेट में क्या होगा हमने क्या कहा अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो कहां पे हो रहा है आउट ऑफ़ द बॉडी ऑफ मदर मदर के बॉडी के बाहर हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा मदर के बॉडी के बाहर मतलब क्या करना है जो ओवा है उसे भी बाहर निकालना है एक्स को भी बाहर निकालना है और उसी के साथ जो स्पर्म है उन्हें भी इस पेट्री प्लेट में ही डालना है और वहां पे क्या होगा उस इस पेट्री प्लेट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा मतलब का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा ओके okay? और फिर का फॉर्मेशन होने के बाद इसके क्या बनेंगे आगे एम्ब्रियो के स्टेज तक वो जाएगा और एम्ब्रियो के स्टेज तक जाने के बाद बाद में क्या होता है इट इज अगेन ट्रांसफर इन टू बॉडी इसे अगेन मदर की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू द इन वॉल और बाद में क्या होगा अंदर इस यूटेरस के अंदर उस फीटस की डेवलपमेंट होगी तो अगेन यहां पे हम इस मेथड को क्या बोलेंगे इन विटे फर्टिलाइजेशन टेक्निक और इसे जैसे कि मैंने पहले ही कहा इसे अगेन हम क्या बोल सकते हैं टेस्ट्यूब बेबी ओके okay? गॉट ए टेस्ट्यूब बेबी अब यहाँ पे टेस्ट्यूब बेबी मतलब आप इमेजिन करोगे एक टेस्ट्यूब है और उसके अंदर क्या डालेंगे स्पर्म और ओवा बट यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है एक पेटरी प्लेट यूज किया है ताकि उसे एक प्रॉपर स्पेस मिले और उस स्पेस के अंदर उस मीडियम के अंदर क्या हो जाए जो एग्स है और जो स्पर्म है उनमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो सके अगेन इसमें हम ज्यादातर ऐसे भी देखा गया है कि एग भी ज्यादा डाले जाते हैं स्पर्म भी ज्यादा डाले जाते हैं तो हो सकता है एक या दो जो अग और, एग और का फ्यूजन हो जाए और ज्यादातर हमें जायगोट मिले तो वो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स कितने ज़ायगोट्स आगे डेवलप करने हैं वो भी सोचा जाता है बाय टेकिंग द परमिशन ऑफ पेरेंट्स अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा मेन किसके ऊपर फोकस किया कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो मदर के बॉडी के बाहर होगा अब देखिए एक के बाद एक हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखेंगे हर एक मेथड में कुछ तो भी स्पेशलिटी है इसकी स्पेशलिटी क्या है इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर होगा किसके बॉडी के, के बाहर मदर के बॉडी के बाहर अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा देखिए अब नया इंट्रा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कैसे Zygote, जैसे कि हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हुआ इंट्रा फैलोपियन मतलब ये रही फेलोपियन ट्यूब ओके इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करने वाले हैं इस जायगोट को ट्रांसफर करने वाले हैं पहले क्या हुआ था एग को भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म दोनों को भी क्या किया गया था एक पेट्री प्लेट में लिया गया था और उसके अंदर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ बना, आगे वो एम्ब्रियो बना बाद में उसको अगेन क्या, क्या किया गया यूटेरस में ट्रांसफर किया गया बट यहां पे देखिए डायरेक्ट द नेम इंडिकेट्स नाम से ही आपको पता चलेगा क्या कि जो जायोट है उसका क्या हो जाएगा उस जायोट के बनने के बाद उसे डायरेक्ट किस में ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूज में अब देखिए यहां पे मतलब अगेन इसे ट के बाद वो कौन से स्टेज में जाएगा एमरियो के स्टेज तक जाएगा और बाद में उसे ट्रांसफर करेंगे ट्यूब्स में और इस मेथड को क्या बोलेंगे हम इंट्रा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक ओके? अब देखिए यहां पे जो है इसे हम अगेन क्या बोलते हैं सारे जो हम पढ़ रहे हैं क्या है किसके अंडर आएगा एक तो ये ऑप्शन है एक सोल्यूशन है या फिर हम इसे क्या बोलते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बोलेंगे बट अब यह कब यूज होगा जो पहला वाला था कौन सा था इसके पहले वाला विट्रो फर्टिलाइजेशन तो यहां पे क्या था कि आ, वो कपल्स में बस फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम है फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अंदर जो यूटेरस है उसमें यूटेरस इज हेल्दी यूटेरस में डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है तो डायरेक्टली उसे ट्रांसफर करेंगे बट यहां पे जो झाइगोड इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है यहां पे क्या होगा अब जो ये वाला ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो कब यूज होगा वेन ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब्स देखो क्या होगा अब यहाँ पे ये यह है फेलोपियन ट्यूब्स और वहां पे ब्लॉकेज है और उस वजह से वो क्या प्रिवेंट करता है इट इज प्रिवेंटिंग नॉर्मल बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एग नॉर्मली हमने क्या देखा था इसके पहले हमने देखा था कि जो जायगोट है वो कहाँ पे बनेगा सबसे पहले देखो यहाँ पे ये यह फिमरी है यहाँ पे एग आ जाएगा और फिर एग अंदर जाता है यहां से यहाँ तक आ जाएगा ये सारा फेलोपियन ट्यूब का रीजन है और जो स्पर्म है वो सर्विक्स से होके okay, यहां तक आएगा ट्रेवल करके जाएगा और यहाँ पे इसे हम क्या बोल रहे हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं हम इसे तो इस फेलोपियन ट्यूब में क्या होने वाला है का फर्टिलाइजेशन होगा, होगा. बट अब यहाँ पे बात क्या है वो जो कपल है और स्पेशली उसमें जो मदर है उसका जो यूटेरस है वो अब अनहेल्दी है और वो कैसा है मैकेनिकली वो अनहेल्दी है ओके okay? मतलब यहाँ पे क्या है जो उसके फैलोपियन ट्यूब्स है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है वो ब्लॉक्ड है अब ब्लॉकेज किस आ, तो, तो यहाँ पे वो ब्लॉक है इतनी ही बात करेंगे हम अब अगर वो ब्लॉक है तो क्या वो जगह देगा स्पर्म को यहां से यहां तक आने के लिए और अगर स्पर्म यहां से यहां तक ना आ पाए तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा अगेन यहाँ पे दिस कपल और दिस यूटेरस इज नॉट एबल टू कंसीव ऐसे ही हम बोलेंगे तो अगर ये कंडीशन किसी कपल में हो स्पेशली किसी मदर में हो तो क्या यूज करते हैं ये वाला मेथड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तो देखिए ये वाला जो मेथड था ये पहले वाले मेथड से कैसे अलग था वो हमने बात की अभी अगेन आपको ये सारी बातें याद रखनी है क्यों क्योंकि अगेन या टी में आपको ये ज्यादा करके हेल्प करेगा अब देखिए मेन प्रोसेस यहां पे जो हो रहा था बाइंडिंग ऑफ़ एंड एग यहाँ पे वो होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे जो एग है जो यूटेरस में है उसे रिमूव करेंगे और बाद में क्या करेंगे उसको इनविट्रो तरीके से फर्टिलाइज्ड करेंगे जैसे हमने पहले किया था और बाद में उससे जो जाइगोट मिलेगा उसे अगेन प्लेस कहां पे करेंगे आप फेलोपियन ट्यूब में प्लेस करेंगे बट वो प्लेस जब करेंगे तो क्या यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी अब ये लेप्रोस्कोपी देखो यहां पे आपको ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और वो इसने डायरेक्ट एंट्री कहाँ से ली है इस फिमरी से और डायरेक्टली कहाँ पे गया है वो फेलोपियन ट्यूब में और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से एयर प्रेशर से क्या करेंगे अगेन ये वाला जो जयगोट फॉर्म हुआ है जयगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है बाहर ही हुआ है कैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया वो ब्लॉकेज था इसलिए क्या किया कि जो मदर थी मदर के यूटेरस में से फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब में से क्योंकि आपको पता है क्या होगा यहाँ पे ये जैसे कि ओवरी है यहां से एग निकल के फिमरी से लेके अंदर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया कि फेलोपियन ट्यूब में से ही एग्स को बाहर निकाला गया और उसको बाहर निकाल के अगेन जैसे हमने इन विट्रो में किया था पेट्री प्लेट में उसे रखा गया और प्लेट में उसे क्या किया गया उसका फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि उस पेटरी प्लेट में एग के साथ स्पोन्स भी थे फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे क्या हुआ जायगोट जायगोट बना जाएगोड से आगे के स्टेज में वो वो गया गया एम्ब्रियो स्टेज में गया। फिर आगे यहां पे वो का प्रोसेस ठीक से होगा बट यहाँ पे इस मदर में प्रॉब्लम कहाँ पे था इस जगह पे फेलोपियन ट्यूब में और फेलोपियन ट्यूब में कौन सा प्रोसेस होता है जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन का और आगे जाके यहाँ पे ये वाला जो यूटेरस था इसका सारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली मैकेनिकली हम बोलेंगे वो फिट थी वो जो वुमन थी या फिर वो मदर थी वो फिट थी बट उसको प्रॉब्लम यहाँ पे था तो उसे क्यूर करने के लिए क्या यूज करते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब झाइकोट जो है उसे बाद में डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और बाद में वो आगे जाके यहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाएगा और आगे की जो डेवलपमेंट है उस फीटस की वो यहाँ पे प्रॉपरली होगी क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो एकदम हेल्दी है मतलब यूटेरस जो है ये वाला पूरा क्या है इट इज अटेरस और ये वाला यूटेरस है ये कैसा है हेल्दी है तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगी आ गया ये प्रोसेस आपको समझ में इस प्रोसेस का इस प्रोसेस की स्पेशलिटी क्या थी यहां पे ये ऐसे को क्योर कर रहा था जहां पे फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो और इसके पहले हमने इन विट्रो में क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहां पे हो ही नहीं रहा है तो डायरेक्टली उससे बाहर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो वहां पे हो सकता है कि वो स्पर्म्स भी ज्यादा वर्किंग ना हो या फिर क्या हो सकता है कि आगे जाके जायगोट फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए इन विट्रो में वैसा किया गया और यहाँ पे क्या किया गया डायरेक्टली जायगोट फॉर्मेशन वहां पे भी जायगोट फॉर्मेशन बाहर हुआ यहाँ पे भी हुआ बट दोनों का जो रीजन है वो अलग है ओके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स प्रॉपर नहीं है दे आर ब्लॉक्ड इस वजह से यहाँ पे क्या हो चुका है ये वाला जो प्रॉब्लम है इसे क्योर करने के लिए ये वाला मेथड यूज किया कौन सा इंट्रा ट्रांसफर अब देखिए आगे बढ़ते अगेन अब ये कौन सा मेथड है ये है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अब देखिए पहले हमने जाइगोट देखा अब डायरेक्टली गैमेट की तरफ बढ़े हैं दोनों में भी क्या था यहां पे देखिए क्या था ट्रांसफर और यहां पे आएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अब आपको पता है, और में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर क्या होगा अब क्या ट्रांसफर करेंगे ट्रांस्फर क्या किया जाएगा? ओवम और वो ओवम को कहा से कलेक्ट किया जाएगा डोनर से ओके यहाँ पे क्या होगा जो ओवम है उसे ट्रांसफर किया जाएगा बट उसे ट्रांसफर से पहले उसको कलेक्ट कहां से करेंगे फ्रॉम द डोनर और उसे ट्रांसफर कहां करने वाले हैं? फेलोपियन ट्यूब में और फेलोपियन ट्यूब वो किसकी होगी देखो यहाँ पे अब इस मेथड की स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे जो ओवम है ओवम को कलेक्ट करेंगे डोनर से मतलब जो रियल मदर है ओके okay? देखिए यहाँ पे रियल मदर से क्या करेंगे अब यहां से लेंगे ओवम को और फिर उस ओवम को कहां पे ट्रांसफर करेंगे इसे ट्रांसफर किया गया अदर मदर एट मिनिट हा ओके okay. तो अब इस ओवम को ट्रांसफर करेंगे एक अदर एक दूसरी मदर है उसके फेलोपियन ट्यूब में ओके okay? हो गई बात क्लियर और वो जो है उस इस अदर मदर को हम क्या बोलेंगे सैरोगेट मदर इसे हम क्या बोलेंगे इसका नाम है सैरोगेट मदर ये है रियल मदर और ये है सेरोगेट मदर तो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है अब रियल मदर का जो ओवम है देखिए अब यहाँ पे बायोलॉजिकल मदर कौन सी है रियल मदर ही है बट वो क्या यूज करेंगे यहाँ पे अब यूज क्या किया जाएगा जो ये वाला जो यूटेरस आपको दिख रहा है ये जो यूटेरस है अब ये किसका है दैट यूटेरस इज ऑफ सेरोगेट मदर जिसके यूटेरस में ये वाला जो रियल मदर का क्या है ओवम है एग है इसकी डेवलपमेंट इस यूटेरस में होने वाली है बट ये जो सेरोगेट मदर है उसका ओवम ये नहीं है दैट ओवम इज ऑफ रियल मदर जिससे मदर बनना है बट वो उसमें इनफर्टिलिटी है क्यों है अब यहाँ पे देखिए इस रियल मदर में इनफर्टिलिटी क्यों है इस रियल मदर में इनफर्टिलिटी इसलिए है क्योंकि उसका यूटेरस हेल्दी नहीं है ओके okay, उसके जो एग्स है वो भी हेल्दी है या फिर वो कपल्स में एग्ज एंड दोनों भी हेल्दी है बट प्रॉब्लम कहाँ पे है यूटेरस में है तो अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त कौन सा ऑप्शन किया जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन को लिया जाएगा कौन सा गैमेट इंट्राफेलिपियन ट्रांसफर मतलब यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे मेन रोल होगा सेरोगेट मदर का जिसका यूटेरस यूज करके रियल मदर और रियल पेरेंट्स का जो भी एग और स्पर्म है, उसका करके करके उससे बना के तक करके, उसे कहा अगेन ट्रांसफर इन टू दूटेरस ऑफ सैरोगेट मदर इसीलिए हम उसे सैरोगेट मदर कहेंगे बट शी इज नॉट रियल बायोलॉजिकल मदर उसमें जो भी जीन्स होंगे उस बच्चे में वो इस सैरोगेट मदर के नहीं होंगे तो वो किसके होंगे दैट जीन्स रियल मदर ओनली तो ये फर्क है सैरोगेट मदर एंड रियल मदर में अब देखिए देखिएट मदर मतलब कौन है अब शी इज अ फीमेल ओके वॉट इज सेरोट मदर शी इज अ फीमेल विथ सुटेबल एनवाइट फॉर फर्टिलाइजेशन मतलब वो फीमेल है जिसके पास क्या है शी इज एल है उसके पास एक यूटेरस है और वो यूटेरस कैसा है वो सुटेबल है वो किसके लिए सुटेबल है डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए वहां पर फीटस का डेवलपमेंट भी होगा और साथ में की फर्टिलाइजेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलेंगे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अब यहां पर गैमेट को क्या कर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफर किया जाएगा बट सबसे पहले देखिए देखिए सबसे पहली स्टेप पे यहां पे एग्स का कलेक्शन हुआ है ओके okay? एग्स के कलेक्शन के बाद क्या हुआ है सेकंड स्टेप पे स्पॉम का कलेक्शन हुआ है यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप पे यहाँ पे क्या हो गया कि एग और स्पॉम है उनका क्या हुआ जायकुट बना और फिर उसके बाद इसे अगेन ट्रांसफर किया गया डायरेक्ट यूटेरस में ओके okay? देखिए अब इसे डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर क्यों किया गया डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में क्यों नहीं रखा गया या फिर कभी-कभी इसमें अगेन क्या होता है कि uh, जो एग्स है उनको रिमूव करके एक तो सबसे पहले क्या करेंगे एग्स को रिमूव करके फ्रॉम द रियल मदर उसके ओवरी से और उनको क्या करेंगे आर प्लेस्ड इन वन ऑफ अलोंग ट्यूब फादर्स स्पर्म ऐसा भी कर सकते हैं या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि बाहरी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसी के साथ क्या होगा अंदर या इस जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होगा अगर डायरेक्टली यहां पे करना हो फेलोपियन ट्यूब में करना हो तो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में एंट्री हो जाएगी उस जायकुट की और अगर वो जयगोड से लेकर एम्ब्रियो तक आ गया है और उसे डायरेक्ट इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जाना है तो उसका जो प्लांटेशन है इम्प्लांटेशन है वो डायरेक्ट किस में होगा यूटेरस में होगा तो ये फर्क था किसमें गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इसके पहले था जायगोट वाला तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया यहाँ पे मेन रोल किसका था यहाँ पे मेन रोल था सैरोगेट मदर का और इसके पहले जो हमने देखा इसके पहले हमने कौन सा देखा साइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यहाँ पे जो मदर थी वो रियल मदर थी उसका यूटेरस ही यूज किया गया था बस उसका जो फेलोपियन ट्यूब था वो ब्लॉक था बट यहां पे अब जो रियल मदर है उसका यूटेरस हो सकता है उसके फेलोपियन ट्यूब भी वर्किंग नहीं हो और उसका जो यूटेरस है वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस करने के लिए हेल्दी नहीं है या फिर सुटेबल नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन या फिर उस फीटस की डेवलपमेंट के लिए वहां पे सुटेबल एनवायरमेंट नहीं है कहां पे इस यूटेरस में रियल मदर की तो उस वजह से किसका मेन रोल आएगा यहाँ पे यहां पे मेन रोल आएगा सैरोगेट मदर का ओके okay? तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है अब अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अब देखिए यहां पे ये कौन सा मेथड है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पॉम इंजेक्शन अब देखिए यहां पे क्या है साइटोप्लाज्मिक स्पॉम इंजेक्शन मतलब यहां पे क्या किया जाएगा सेल इज टेकन और उसे डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट उसे इंजेक्ट किया जाएगा इन दी लेबोरेटरी कंडीशन लेबोरेटरी कंडीशन के अंडर इसे पॉम सेल को ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली क्या किया जाएगा प्लेस किया जाएगा अगेन देखिए यहां पे इनफर्टिलिटी का रीजन अगेन अलग है हर एक मेथड में आपको देखने को मिलेगा कि इनफर्टिलिटी का जो रीजन है अलग है और उसका सॉल्यूशन उसके लिए एक ऑप्शन ये वाला है अब देखिए ये ये, सा, और ये सारे और कैसे हैं आर्टिफिशियल वेज है सारे ये नेचुरल नहीं है तो यहाँ पे देखिए हो सकता है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जो स्पर्म है दैट स्पर्म इज नॉट एक्टिव ओके और अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगा इस एग को फर्टाइल नहीं कर पाएगा यहाँ पे जाके वो एग की जो एंड मेम्ब्रेन है, वहां पे जाकर वो अंदर नहीं जा पाएगा हमने जो स्पर्म में जो रिएक्शंस देखी थी एक्रोजोम रिएक्शंस, कैपेसिटेशन, इसमें से कुछ प्रोसेस इसमें हो सकता है ना हो तो इसलिए ये सारे प्रोसेस कैसे करेंगे बॉडी के बाहर ही हो जाएंगे और बाद में उसे एक नीडल की मदद से इसे क्या किया जाएगा देखिए यहाँ पे आपको ये निडल दिख रही, रही है और उस निडल के अंदर क्या है एक स्पर्म है और उसे डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाएगा और एग के साइटोप्लाज्म में फिर क्या आपको अगेन दिखेगा वही प्रोसेस अगेन इस एग के साइटोप्लाज्म में एक क्या है न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो स्पर्म है उसका भी एक न्यूक्लियस है तो अगेन ये दोनों न्यूक्लियस का आगे जाके क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा एक बन जाएगा कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे हम इसे और फिर उसका बन जाएगा बट अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या क्या यूज होता है तो यहाँ पे क्या होगा अब एक एग है और अगर इसका ये सारा प्रोसेस बॉडी के बाहर करना है कैसे करना है इन इंट्रा करना है या फिर इनविट्रो वाले है ये सारे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर नहीं आएंगे इनविवो बोलेंगे तो बॉडी के अंदर बट ये इनविट्रो है बॉडी के बाहर होंगे तो देखिए यहाँ पे अब बॉडी के बाहर अगर इस एग को रखा गया है तो इसे समझो एक पेट्री प्लेट में लिया गया है बट उस पेट्री प्लेट में भी अगेन अंडर सम माइक्रोस्कोप तो इसे क्या किया जाएगा उससे देख के इसे क्या किया जाएगा प्रॉपर होल्ड किया जाएगा बाय होल्डिंग टूल और बाद में उस एग को प्रॉपर कंडीशन में होल्ड करने के बाद अंदर विद द हेल्प ऑफ नीडल इस को अंदर एंट्री दी जाएगी और उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा का इसका प्रोसेस होगा और बाद में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा और फिर इसका एक न्यूक्लियस बनेगा और ये कैसा बनेगा डिप्लॉयड बनेगा फिर देखिए यहां पे ये यह वाला जो है यहाँ पे अगेन क्या होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यहां पे क्या होगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पोम इंजेक्शन होगा और यहां पे इसे हम क्या बोलेंगे इट इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बट बट इस ट्रीटमेंट में आपको क्या देखने को मिला कि जो एग का साइटोप्लाज्म था उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ नीडल क्या किया गया है स्पर्म को इंजेक्ट किया गया है तो अभी नेक्स्ट इसमें अगेन क्या होगा यहां पे जो एम्ब्रियो है ओके okay? जो एम्ब्रियो है उसका अगेन क्या होगा इसे फर्टिलाइज किया जाएगा बट वो भी कैसे इन विट्रो वे में मतलब बॉडी के बाहर ही इसे फर्टिलाइज किया जाएगा और बाद में इसे क्या किया जाएगा प्रॉपर अगेन इट इज गिवन इनटू टू दी यूटेरस या फिर इसे अगेन जैसे हमने इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में देखा फर्टिलाइजेशन के, 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 के बाद उस एमरियो को अगेन लेकर ट्रांसफर किया जाएगा कहा प्रॉपर जो हेल्दी यूटेरस है वहां पे बट वो कैसा होगा वो सैरोगेट मदर का नहीं होगा वो अगेन रियल मदर का होगा देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है स्पर्म में मतलब यहाँ पे फादर इनफर्टाइल और यहां पे क्या किया गया? पे किया गया और इसके पहले हमने क्या देखा यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे सेरोगेट मदर के बारे में हमने बात की तो यहाँ पे यूटेरस जो था वो क्या था रीजन था इनफर्टिलिटी का और यहाँ पे अब इनफर्टिलिटी का रीजन क्या हो सकता है हो सकता है ये जो स्पर्म है वो हो इनफर्टिलिटी का रीजन या फिर हो सकता है कि प्रॉपर एनवायरमेंट ना मिलने की वजह से वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है नहीं हो रहा है अब आगे देखिए अगेन नेक्स्ट मेथड कौन सा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब यहां पे क्या हो रहा है आर्टिफिशियल वे में इंसेमिनेशन होगा मतलब कैसे यहां पे इनसेमिनेशन मतलब किसी चीज को आर्टिफिशियली कहीं पे डाला जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा मतलब देखिए अब यहां पे अगेन बात आई स्पर्म्स की स्पर्म्स को अगेन क्या किया जाएगा यहां पे आर्टिफिशियली मतलब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है आर्टिफिशियली इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहां पे सर्विक्स ऑफ फीमेल ओके okay. मतलब आर्टिफिशियली स्पर्म को फीमेल्स की सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बाद में क्या किया जाएगा प्रेगनेंसी को अचीव किया जाएगा बट अब देखिए सारे मेथड से ये मेथड जरा अलग है क्यूं? क्यों क्योंकि तो यहाँ पे क्या हो रहा है इट इज अ इन विवो फर्टिलाइजेशन ये कैसा है इन विवो फर्टिलाइजेशन अब तक जो भी मेथड इन विट्रो अब ये इन विवो है मतलब देखिए फर्टिलाइजेशन अब तक हमने जो देखे मेथड्स इन विट्रो थे मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन होता हुआ नजर आया बट वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा था बॉडी के बाहर हुआ बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा हुआ बॉडी के अंदर हो रहा है अब ये डायरेक्टली इस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसे हम टोटली totally नेचुरल uh, प्रोसेस नहीं कह सकते बट लिटिल बिट नैचुरल कह सकते हैं इसे तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट स्पॉम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन टू दर्विक्स ऑफ फीमेल और बाद में उसका क्या होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा मतलब उस मदर के बॉडी में या मदर के यूटेरस में या फिर मदर के फेलोपियन ट्यूब्स में ही इन स्पर्म्स और एग का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा ओके okay. अब देखिए अगेन अगेन ये जो स्पर्म है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है फीमेल्स के सर्विक्स में या फिर यूटेराइन कैविटी में किस लिए किया था फॉर दर्पज ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी बट ये कैसा था बाय इनविवो फर्टिलाइजेशन ओके बट यहां पे स्पेशल चीज क्या है ये है तो थोड़ा सा नेचुरल इन विवो ही बट इट इज नॉट डन इंटरकोर्स और इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे ना तो ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है और ना ही ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से हुआ है बट ये किससे हुआ है है तो ये इन विवो बट ये कैसा है इट इज नॉट विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट हेल्प ली गई है कुछ टूल्स की किस लिए कि वो जो स्पर्म्स है उन्हें फीमेल्स की सर्विक्स के पास लेके जाए या फिर यूटेराइन कैविटी में उनको प्लेस किया जाए ताकि वो आगे जाके आगे रन करेंगे आगे ट्रेवल करेंगे या स्विम करेंगे और आगे जाके वो जो एग है उसे फर्टिलाइज करेंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मदर की बॉडी में या मदर की यूटेरस में होगा हो गया अब यहां पे आपको फोकस आपने कहा किया यहाँ पे आपने फोकस किया इन तीन चीजों पे इन विवो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो और सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब क्या आपने क्या देखा ये वाला मेथड था इन विवो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बट इन विवो होके भी वो लिविंग बॉडी में होके भी वो कैसा है इट इज आर्टिफिशियल इसे हम इन वीवो तो बोलेंगे बट फिर भी वो आर्टिफिशियल है क्योंकि वो किससे नहीं हुआ है इट इज नॉट ऑकर्ड है, तो ऑब्वियसली वो इनविट्रो होगा ही नहीं ओके okay? तो ये वाला मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है अब अगेन बढ़ते हैं आगे की तरफ अब ये वाला है यूटेराइन इंसेमिनेशन कैसा है

इसके पहले देखा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था यहाँ पे स्पर्म को स्पॉम्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया फीमेल की सर्विक्स में सेम इसी की तरह है बट यहाँ पे इस टेक्निक में डिफरेंस क्या है यहाँ पे क्या होता है स्पॉम्स जो है दे आर इंट्रोड्यूस इन टू यूटेराइन कैविटी इंस्टेड ऑफ सर्विक्स यहाँ पे सर्विक्स में स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बट उसे ज्यादा डीप अंदर यूटराइन कैविटी में डाला जाएगा देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जो विद्यल सिरिंज जो स्पॉम्स है उनको डायरेक्टली और क्या किया गया है दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर इन टू यूटेराइन कैविटी मतलब यूटेरस में डायरेक्टली उसे ट्रांसफर करेंगे ताकि सर्विक से यहाँ तक यूटेरस तक ट्रांसफर होने का उसका जो समय है तो या फिर उसका जो टाइम है वो बच जाएगा और आगे उस कम समय में आगे क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अगेन यहाँ पे भी देखिए ये वाला भी कैसा है विवो है ये वाला भी इन विवो है यहां पे भी आपको क्या नजर आ रहा है ये वाला भी इन विवो है बट यहाँ पे अगेन आर्टिफिशियल वे में ही है इसके इसमें भी कुछ हेल्प ली गई है हेल्प किसके लिए है कुछ टूल्स की ओके okay? जैसे कि सिरिंज की हम बात करेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे जो स्पर्म्स है उसको बायसेक्सुअल इंटरकोस इंट्रोड्यूस नहीं किया गया उसे डायरेक्ट क्या किया गया है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज उसे इंट्रोड्यूस किया गया उस यूटेरस में या यूटेराइन कैविटी में तो ये था इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ओके अब यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन तो यहाँ पे हमने क्या देखा आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट क्या है मेथड्स देखे जो इनफर्टिलिटी को डील कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई ऑप्शन या फिर कोई सोल्यूशन दे सकते हैं ताकि जो इनफर्टाइल कपल हो वो दे आर एबल टू कंसीव अ बेबी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन एक छोटा सा टॉपिक सब टॉपिक बोलेंगे इस चैप्टर में से जो बचा है वो कंप्लीट करेंगे ओके okay? तो इसके बारे में आप अगेन पढ़िए और डीपली आपको पता चलेगा तो वो किस में हेल्प करेगा कि वो हेल्प करेगा आपको फॉर सी टी एंड एग्ज़ामिनेशन तो तब तक के लिए आप पढ़िए वर्क हार्ड आफ्टर दैट आप अपना ख्याल रखिए हैव अ नाइस डे बाय